तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश मोहता। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अमृतसर के ब्लॉग अगर ख़त्म हो गए तो लुधियाना में आ जाए वापस। तो चलिए आए चलते हैं। आज हम आए हैं जी सुंदर नगर। पहले देखते हैं हम खाने के आए हैं, फिर आपको बताएंगे कहां पर हैं। आ जाओ। तो ये बन रहा है जी अपना पास्ता। ये हमारे प्याज और शिमला मिर्च। क्या जब ये चीज़ सौटे होती है ना, मतलब मज़ा आ जाता है उसे देख के। और इसकी फ्रेगनेंस है ना जो शिमला मिर्च, फ्लेम चेक करो पहले तो, जो शिमला मिर्च की फ्रेगनेंस होती है ना थोड़ा फ्राई होने के बाद, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और ये आ गए जी इसमें बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न आ गया। तो ये आ गए जी अब बेबी कॉर्न। तो ये क्या डाल रहे हो? स्वीट कॉर्न डालना वाला। ये स्वीट कॉर्न आ गया जी। ये मोला स्वीट कॉर्न। ऑलिव। ये क्या चीज़ है? रेड सॉस। ये मतलब खुद बनाते हो, खुद रेडी करते हो? हाँ जी, हाँ जी, खुद रेडी। और ये व्हाइट सॉस है। ये हमारा मिक्स पास्ता बन रहा है कि रेड? हाँ जी, मिक्स है, रेड मिक्स बन रहा है। मोज़रेला चीज़, मतलब ये चीज़ी भी होने वाला है। तो आप एक बार वैसे इसकी गार्निशिंग पहले पूरी होने देते हैं। ऊपर आ गई जी ये फ्रेश क्रीम चीज़। आप देख सकते हो देखने में कितना शानदार लग रहा है, मज़ा ही आ गया देख कर। तो खाने का टेस्ट तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले चलते हैं अपनी अगली आइटम की तरफ। तो ये है बन रहे हैं जी हमारी चीज़ चिल्ली। ये फिर से आ गया तेल। मेरे पसंद के प्याज हैं बीच में मोटे कटे हुए, मुझे बहुत पसंद है चीज़ चिल्ली में मोटे कटे हुए प्याज। अब चंगी तरह से इन्हें सॉटे किया जाएगा। ये ग्रीन चिल्ली है। हाँ जी, चिल्ली गार्लिक। ये आ गई जी सोया सॉस और ये थोड़ी सी फूड कलरिंग। भैया पनीर है और इसे पहले फ्राई करके रखते हो? हाँ जी। किस चीज़ में फ्राई किया हुआ है? ये उसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा में। कॉर्नफ्लोर और मैदा में फ्राई करके रखते हो पहले, इसीलिए थोड़ा इनका पनीर क्रिस्पी रहता है, लाइक चीज़ चिली। और ये आ गया जी कॉर्नफ्लोर। हाँ जी। तो ये है जी अपना पिज़्ज़ा लग रहा है। भैया कौन सा पिज़्ज़ा लगा रहे हो? ये आप स्नैक्स बार स्पेशल पिज़्ज़ा। स्नैक्स बार स्पेशल पिज़्ज़ा लग रहा है हमारे लिए। तो ये क्या चीज़ है अभी? ये पिज़्ज़ा सॉस है, सॉस से पिज़्ज़ा। तो जी ये ऊपर आ रहा है, पहले चीज़ आ रहा है, मैंने पहली बार देखा है। मैं तो ऊपर चीज़ डालता हूँ, पहले सब्जियाँ डालता हूँ। तो ये आ गई जी ऊपर वेजेज। वेजेज में क्या क्या है? वेज में ऑनियन कैप्सिकम और कॉर्न दाना। ऑनियन कैप्सिकम और कॉर्न आ चुके हैं। मतलब एक एक साइड पे आपको इसकी टॉपिंग मिलेगी, ये नहीं है कि आपको सिर्फ सेंटर में टॉपिंग डाल दी जाए। पूरा मतलब मैं जो सोच, मुझे जो दिख रहा है ना, एक एक नुक्कड़ पे इसकी टॉपिंग है। और ये क्या है? चीज़ ब्लेंड सॉस। चीज़ ब्लेंड सॉस। तंदूरी सॉस। ये आ गई जी अब तंदूरी सॉस। मतलब मुझे ये पिज़्ज़ा अभी देख के ऐसे ही दे दो मुझे, मैं ऐसे भी खा सकता हूँ इसे। तो ये चीज़ ग्रेट, क्या कहते थे यार, मैं फिर भूल गया। चीज़ को ग्रेट किया जा रहा है, चीज़ इज़ वेरी ग्रेट। तो ये आ गया जी ऊपर चीज़ फिर से। मतलब ना मेरे जैसा क्या करता, मुट्ठी भरता चीज़ की जान जाता जाने दे रहा है। यहाँ पर अच्छी तरह से हर एक हिस्से पर चीज़ लगाया जा रहा है। आ गए जी ब्लैक ऑलिव्स। आई एम नॉट द बिग फैन ऑफ ऑलिव्स, मतलब ठीक है, मतलब बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ मैं इनका। और ये आ गए जी ऊपर रेड ऑलिव्स। ये आ गए जी रेड एलेपिनोज।
ये है जैलेपिनोज, जैलेपिनोज इसको बोलते क्या है यार, पहले नीचे कमेंट करके बताओ इसकी असली प्रोनंसिएशन क्या है। इसका जे खा लेते हैं, इसका जे पहले खाया जाता है। ये आ गया जी ऊपर प्याज, ये पनियों, मतलब इतने प्यार से मेरे लिए यार कभी किसी ने पिज्जा नहीं बनाया। तो ये पनीर है? यस पनीर है जी, ऊपर पनीर। तो अब जा रहा है जी हमारा पिज्जा ओवन में। ये क्या है जी, पहले इसे रखा गया नीचे ताकि इसका बेस अच्छे से पक जाए, फिर इसे रखेंगे ऊपर ताकि ऊपर से भी पक जाए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, क्यूट, जो मर्जी लगा लो, फैबुलस लग रहा है फिर से। या फैबुलस जी कटिंग, चार ही बेस करना, मैं छः नहीं खा सकता। तो हमारी तीनों आइटम रेडी हैं, तो अब हम मिलते हैं सीधा आपको खाने के टेबल पे, तो वहीं चलते हैं। तो जी ये अपना टेबल सज चुका है, हम पिज़्ज़ा से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा मैंने क्रिस्पी ये चिली फ्लेक्स सॉरी मैं खोल चुका हूँ, तो इसको मैंने पहले डाल दिया है। अब पिज़्ज़ा से शुरू करते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स मिलने वाले हैं मेरे को, तो मैं क्लियरली नहीं बता पाऊँगा मुझे किस चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि एक एक वेजी है इसमें, ऑलिव्स हैं, एलेपिनोज हैं, चीज़ देख सकते हो आप अभी तक कैसे फुल हुआ है। तो शुरू करते हैं, तंदूरी सॉस का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, पनीर का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने जो भी वाइट खाई उसमें पनीर ज़्यादा था, नीचे से वेल कुक्ड है आप देख सकते हो, थोड़ा सा क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है खाने में, आई लव इट। मुझे अगर कोई कहना कि पिज़्ज़ा यहाँ से खाना है तो मैं ज़िंदगी में मना ना करूँ, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा खाने में, बहुत जगहों से बेटर पिज़्ज़ा मुझे आज खाने को मिला। मैं बहुत दिनों से मतलब एज ए रूहानी को भी बोल रहा था कि मुझे सी स्टाइल पिज़्ज़ा खाना, तो ये सेम वही चीज़ है। तो अभी हम इनके रेस्टोरेंट में हैं, मतलब इनके जहाँ ये बनाते हैं, तो उसके ऊपर जगह है बैठने की, सीटिंग है, प्रॉपर सीटिंग है, आप देख सकते हो कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। तो अभी जस्ट हम दोपहर को आए हैं, तो इसलिए इतना अभी यहाँ पे रश नहीं है, क्योंकि बहुत रश होता है इस टाइम पे। जोमेटो का इतना काम है, मेरे सामने कम से कम 20 से 25 जोमेटो के ऑर्डर आए होंगे इन्हें। तो पास्ता हम टेस्ट करते हैं, ये हमारा मिक्स सॉस पास्ता है, एक चीज़ वाला पीस तो मैं ज़रूर खाऊंगा। स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा मीठा है, वैसे टेस्ट वाइज ऑल ओवर बहुत अच्छा है। जो इसमें स्पाइसेस आ रहे हैं ना, बहुत फ्लेवरफुल है ये पास्ता, मतलब आप सोच लो एक एक फ्लेवर मुझे आ रहा मुँह में। क्वांटिटी तो आप देख सकते हो एक प्लेट में, इतनी अच्छी क्वांटिटी है ना कि अगर चार बंदे खाने आए ना तो बहुत अच्छे से खा सकते हैं, ये नहीं है कि चार बंदों को कम पड़ जाएगा। हाँ ये है, साथ में एक आधी चीज़ और लगवानी पड़ जाएगी अगर मेरे जैसा कोई आ जाए, मैं तो पूरी प्लेट खा सकता हूँ अगर अपनी यहीं पे आ जाऊँ। तो आई लव दिस पास्ता। तो अब बारी है जी इनकी मोस्ट सेलिंग आइटम, जो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं फैक्ट्री बहुत बार जोमेटो से मंगवा के खाता हूँ। तो ये है जी इनकी चीज़ चिल्ली, आई लव द चीज़ चिल्ली बिकॉज पनीर का जो पीस होता है ना वो थोड़ा फ्राई होता है, क्रिस्पी होता है, और इसलिए मुझे पसंद है। तो ये रही जी चीज़ चिल्ली, मेरे पापा को भी चीज़ चिल्ली बहुत पसंद है वैसे, दे लव चीज़ चिल्ली। तो चेयर्स टू पापा। मैंने इससे ऊपर चीज़ चिल्ली नहीं खाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है, जो पनीर है ना बहुत क्रिस्पी होता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं समझ लो आप, जितना होना चाहिए उतना होता है, स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, थोड़ी थोड़ी स्पाइसी होती है ये, और आई लव द फ्लेवर्स, आई सीरियसली लव द फ्लेवर्स। मेरी भाषा से कुछ और शानदार चीज़ चिल्ली लग रही है मैंने। तो हम यहाँ इसके बाहर खड़े थे, तो यहाँ पे और भी भैया खड़े हैं, तो उनसे पूछते हैं इनको इनका टेस्ट कैसा लगता है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईचरण सिंह है। तो कितनी देर होगी सर थानू इतों खाते? मे बी मैंने 3-4 साल हो गए जी। तो टेस्ट कितना था इन्हों का? टेस्ट बहुत वधिया जी। तो कि आइटम थानू सब नाल ज़्यादा पसंद है? मैंने तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद आई। असी भी पिज़्ज़ा ही खाधा है, तो बहुत वाकई बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा है। तो चलो आओ इन्हों नाल भी गल करते हैं, एक बार ओनर खड़े ने साडे नाल। सर क्या नाम है जी आपका? अनिल है सर।
ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੌਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਰ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟੋ 20 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸੀ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ 120 ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਅਤੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਵਧੀਆ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਸਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ तो पहले तो आप देख सकते हो हमने अपनी प्लेटों का क्या हाल किया आप समझ रहे होगे खाना कितना टेस्टी होगा मतलब आप लगा लो टेस्ट का मेरी तरफ से 10 में से 9 नंबर और क्वांटिटी तो 10 में से 10 अगर 10 में से 12 मिलती होती ना वो भी दे देनी थी मैंने तो ये था अपना आज का ब्लॉग लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो अगर यहाँ तक देख लिया लाइक कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना अपने यारों दोस्तों को दिखाओगे ऐसी भी एक जगह यहाँ पे इतनी सारी क्वांटिटी मिलती है मिलते हैं अगले ब्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय लव यू ऑल बाय 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 बाय